अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा कि आप कैनवा के ऊपर जो है वो किस तरह अपना एक बैनर जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। ये बैनर इमेज जो होती है यूट्यूब की, आप किस तरह जो है वो कैनवा के ऊपर जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। तो दोस्तों एक ही रिक्वेस्ट है कि आप दोस्तों ने जो है वो चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब करना है और बेल के नोटिफिकेशन पर भी लाजमी से क्लिक करना है। तो ये बेसिकली नज़र कहाँ पे आता है, यहाँ से मैं आऊँगा और व्यूअर चैनल यहाँ पे चले जाऊँगा। तो यही जो है ये बैनर हम किस तरह क्रिएट कर सकते हैं और वो भी कैनवा के ऊपर। दोस्तों कैनवा एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जहाँ पे आपको ग्राफिक डिज़ाइनिंग अगर नहीं भी आती तो तब भी आप जो है वो एक बहुत अच्छा सा लोगो भी बना सकते हैं और बैनर भी बना सकते हैं। दोस्तों ये जो है ये लोगो जो है वो मैंने मतलब कैनवा के ऊपर नहीं बनाया है, एक दूसरे सॉफ्टवेयर के ऊपर बनाया है और उसकी वीडियो जो है वो भी मैं इस वीडियो के कॉर्ड में दे दूंगा। तो आपने जो है वो वीडियो देख लेनी है कि ये लोगो आप किस तरह का क्रिएट कर सकते हैं। तो चलें सबसे पहले जो है वो कैनवा जो है वो उसको ओपन करते हैं। तो कैनवा का ये सॉफ्टवेयर है, इसको आपने जस्ट यहाँ पर टाइप करना है canva.com, तो ये ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपने लिखना है यूट्यूब चैनल आर्ट्स, अच्छा जी चैनल आर्ट्स आपने लिखना है। तो दोस्तों जैसे ही चैनल आर्ट्स लिखेंगे तो यहाँ पे जो हैं वो कुछ फ्री मतलब आएंगी और कुछ पेड, तो ये दोनों जो है वो इमेजेस आ रही हैं। तो मैं जो है वो एक ब्लैंक बैनर ही ले लेता हूँ, ब्लैंक ये मैंने एक ले लिया है बैनर। उसके बाद जो है वो मैं आपको बताता हूँ कि आपने क्या करना है, आपने एलिमेंट के ऊपर आना है। एलिमेंट के ऊपर जैसे ही आएँगे तो यहाँ से आपने जो है ये एक चाकोर मतलब साइज़ की जो है वो ले लेनी है, शेप कोई भी शेप आप ले सकते हैं। तो इसको आई थिंक मैं इसकी हाइट कर देता हूँ 426। दोस्तों मैं दोबारा बता रहा हूँ, आपने इसकी हाइट रखनी है 426, ठीक है दोस्तों 426। और इसको आप दोस्त देख सकते हैं कि बिल्कुल मिडल में रखना है। मिडल में रखते हुए आपने यहाँ से इसकी हाइट देनी है आई थिंक, आप दोस्तों के साथ में नज़र भी आ रहा होगा, 50 42 46, चलें ठीक है 46 तक भी ठीक है। लेकिन दोस्तों आपने बिल्कुल ये देख सकते हैं कि मिडल में इसको रखना है, बिल्कुल मिडल में रखने के बाद आपने एक दूसरी शेप जो है वो इसके ऊपर ले लेनी है। दूसरी शेप लेने के बाद उसका जो हाइट है वो आपने बिल्कुल सेम रखनी है। हाइट आप दो देख सकते हैं कि शेप के साथ ही जो है वो हाइट शो हो रही है। आपने आई थिंक इसका कलर भी थोड़ा चेंज कर देता हूं ताकि आपको दोनों जो शेप्स हैं उनमें क्लियर डिफरेंस जो है वो देखने को मिले। तो यहां से आप दोस्तों ने जो है इसका साइज़ आई थिंक रख देना है 1856। दोस्तों मैं दोबारा बता रहा हूँ कि आपने 1856 जो है वो इसका साइज़ रखना है 1856, और आपने इसको भी बिल्कुल जो है वो मिडल में लेके आना है, ठीक है। अब ये मिडल में आ गई है, तो दोस्तों जैसे ये मिडल में आएंगी आपने जो है वो यहाँ से आना है आई थिंक ट्रांसपेरेंसी, इसके ऊपर आपने जो है वो लागे इसका जो कलर है वो थोड़ा कम कर देना है। आप जैसे ही कम करेंगे तो आपको ऊपर वाली शेप भी नज़र आ रही है और नीचे वाली शेप भी नज़र आ रही है। तो दोस्तों चले ठीक है, उसके बाद आपने आना है फाइल के ऊपर। फाइल के ऊपर आने के बाद शो रूलर को टिक कर देना है, उसके बाद दोबारा शो गाइड्स को भी टिक कर लेना है और शो मार्जिन को भी टिक कर लेना है। तो दोस्तों आप जैसे ही टिक कर लेंगे आपने यहाँ से जो है वो मार्जिन लेना है, एक दूसरा मार्जिन यहाँ से आप लेंगे, दो मार्जिन हो गए, तीसरा मार्जिन भी आपने यहीं से ले लेना है और वो यहाँ पर रख देना है, चौथा मार्जिन भी आपने यहाँ से लेना है और यहाँ पे रख देना है। अब आपने ऊपर से एक मार्जिन लेना है और इधर रख देना है, दोबारा आपने ऊपर से मार्जिन लेना है और इधर रख देना है। अब आप दोस्त देख सकते हैं, मैं बल्कि जो है वो गाइड्स को हटा देता हूँ, सॉरी दोस्तों गाइड्स पड़ ही रहे हैं, आई थिंक रूलर को मैंने हटाना है, रूलर को बल्कि नहीं हटाना, मैं आपको बता देता हूं कि मार्जिन को, हाँ बिल्कुल हमने मार्जिन जो है वो ख़त्म कर दिए हैं। अब ये दोस्तों आप देख सकते हैं कि मैंने जो है वो एक आई थिंक गाइड्स के हवाले से जो है वो इसका एक अच्छा सा जो है वो स्क्रीन बना ली है। अब दोस्तों जो भी आपने टाइप करना है वो इसी जो मैंने यहाँ पर डायग्राम बनाई है यहाँ पर टाइप करना है, क्योंकि यूट्यूब का बैनर जो है वो यहाँ पर लगेगा। इस ये जो बाकी हिस्से हैं ये सारे रिमूव हो जाएंगे।
तो ये ऐसे पे नहीं लगेगा, आपका जितना भी बैनर है वो यहीं पे लगेगा। तो आपने यहाँ से इसको थोड़ा सा जूम इन कर लेना है, मैं थोड़ा सा ही जूम इन करना लगा हूँ। तो इस कलर को जो है वो मैं ख़त्म कर देता हूँ, इसको भी मैं ख़त्म कर देता हूँ। तो दोस्तों इसके अंदर ये जो है, इसके अंदर आप जो है वो अपना जो मतलब आर्ट से उसको बैनर्स को लिख सकते हैं जितनी भी चीज़ें हैं। अब मैं यहाँ पे लाता हूँ मतलब एलिमेंट के ऊपर कोई भी एक जो है वो लोगो यहाँ पे लेता हूँ और उस लोगो को मैं यहाँ से कर देता हूँ छोटा। इसके अलावा किसी आदमी की मैं अपनी, खैर मेरे पास तस्वीर नहीं है, मैं यहाँ से मेंस की तस्वीर लेता हूँ। अच्छा जी, मैं इसकी यहाँ से मतलब किसी भी बंदे की यहाँ से वक्ती तौर पर इमेज उठा के यहाँ पे उसको करूँगा थोड़ा सा एडजस्ट। आई थिंक चले ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे मैंने जो है वो टैक्स कोई भी जो है वो अपनी मर्ज़ी का ऐड कर देना है। मैं फक्ती तौर पे दोस्तों आपको समझा रहा हूँ, आपने जो है वो आराम से अपनी मर्ज़ी का जो है वो बैनर क्रिएट करना है। हाउ टू मेक मनी ऑन लाइन फॉर फ्री, ऑनलाइन भी लिख देना है। उसके बाद आप दोस्तों अपने हिसाब से जो है वो इसको जो है वो एडजस्ट कर सकते हैं। मैं थोड़ा सा इसको बड़ा करता हूँ आई थिंक, और यहाँ से इसको आई थिंक ऊपर लेके आता हूँ। चले ठीक है, इतना ही बहुत है। मैं यहाँ पे मनी के ऊपर इसको लेके आके दोस्तों, इसके अलावा अगर आप साइड लिखना चाहते हैं तो साइड वगैरह भी जो है वो लिख सकते हैं। आपने यहीं तक ही लेके आना है। जो बाकी डिवाइसेस हैं, मतलब मैं आपको फ़िलहाल डिवाइसेस के बारे में भी नहीं बताता, बल्कि आपने यहाँ तक इसको ला के छोड़ देना है। मैंने सिंपल सा एक बैनर जो है वो क्रिएट किया है, उसके बाद दोस्तों आपने जो है वो डाउनलोड कर लेना है इस बैनर को। तो जैसे ही आप डाउनलोड के बटन पर क्लिक करेंगे तो ये जो है वो कुछ ही टाइम में जो है वो डाउनलोड हो जाएगा। अच्छा जी दोस्तों, तो ये डाउनलोड हो गया है। डाउनलोड होने के बाद जो है वो मैं इसको क्या कर लेता हूँ, बैनर आई थिंक चेंज बैनर के ऊपर आता हूँ, और वहाँ जहाँ पे मैंने इसको डाउनलोड किया था, मतलब ये जो है वो ये मैंने डाउनलोड किया था, इसको कर लेता हूँ सिलेक्ट। ये देखें दोस्तों, जो बाकी जगह है वो ज़ाया हो जाएगी, और जो हमें व्यू ऑन ऑल डिवाइसेस, मतलब जो मोबाइल की डिवाइसेस हैं, लैपटॉप की डिवाइसेस हैं, उसके ऊपर ये वाली जितनी इमेज मैंने जो वहाँ पर बनाया था मतलब बैनर, वही आ रहा है। अगर आप कंप्यूटर के ऊपर देखेंगे, डेस्कटॉप के ऊपर मतलब कह रहा है, तो ये लाइन जो है वो पूरी नज़र आएगी। अदरवाइज़ जो बाकी डिवाइसेज हैं उसके ऊपर यही थोड़ा सा इंटरफेस जो है वो नज़र आएगा। इसके बाद आपने दोस्तों ने कहा देना है डन। तो चले ठीक है, अब लग गया है बहुत अच्छा सा बैनर। इसके बाद आपने यूट्यूब के चैनल पे आना है अपने मतलब चैनल के ऊपर। तो दोस्तों आई थिंक ये चेंज नहीं हुआ, आई थिंक मैंने वहाँ पर सेव पे बटन पर प्रेस नहीं किया था, इसी वजह से ये सेव नहीं हुआ। दोस्तों आपने लाजमी से जो है वो यस के बटन पे लाजमी क्लिक करना है। तो मैं दोबारा आता हूँ, यहाँ से चेंज के ऊपर क्लिक करता हूँ, दोबारा मैं आई थिंक इसके ऊपर क्लिक करता हूँ बैनर के ऊपर, और डन करूँगा। उसके बाद पब्लिश के बटन पे क्लिक करूँगा। अच्छा दोस्तों, जैसे ही आप पब्लिश के बटन पर क्लिक नहीं करेंगे, तब तक जो बैनर है आपका सेफ नहीं होगा। अब दोस्तों मैं यहाँ पर आता हूँ, इस साइड को करता हूँ रिफ़्रेश। तो ये देखो बैनर बहुत अच्छा सा जो है वो हमारे सामने क्रिएट हो गया है। इसके अलावा दोस्तों, ये लिंक किस तरह क्रिएट किए जाते हैं इसके भी जो है वो मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन पार्ट में दे दूंगा, आपने वो वीडियो जो है वो देख लेनी है। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड गुड बाय।